रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार में सीटों को लेकर जेडीयू बीजेपी में फंस सकता है पेच, कुर्बानी से तय होगी दोस्ती। जी हां दोस्तों, अरुण अशेष, बिहार असेंबली इलेक्शन न्यूज। जेडीयू और भाजपा के बीच छोटे से ब्रेक के बाद हुई दोस्ती दोनों दलों से कुर्बानी मांग सकती है। परंपरागत सीटों के मामले में 2010 वाली स्थिति कायम रहे, इसके लिए दोनों दलों को विधानसभा के पिछले चुनावों में जीती कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी। चुनावों में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए इस तरह की कुर्बानी देनी पड़ती है। राजद से दोस्ती के लिए जेडीयू ने अपनी कई जीती सीटें छोड़ी थी। लोकसभा चुनाव में जेडीयू के लिए भाजपा ने भी ऐसी ही उदारता दिखाई थी। हालांकि इस बार भाजपा के लिए इन सीटों से दावा वापस लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीते चुनाव में उसने जेडीयू राजद कांग्रेस के महागठबंधन को परास्त कर ये सीटें हासिल की थी। मालूम हो कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ऐसी 24 सीटों पर जीती थी जिन पर जेडीयू दूसरे नंबर पर था। इसी तरह जेडीयू की जीत वाली 25 सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर थी। यह मसला हल हो सकता है, क्योंकि सिटिंग और सेकंड का फॉर्मूला पुराना है। नई परेशानी उन सीटों को लेकर हो सकती है जिन्हें जेडीयू और भाजपा परंपरागत मानती है। दोनों पार्टियों के बीच हुई दोस्ती के शुरुआती दिनों से लेकर 2010 तक ये सीटें जेडीयू और भाजपा के पास थी। 2015 में इन क्षेत्रों का दलगत प्रतिनिधित्व बदल गया।